नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 12, और पाठ संख्या 12 का शीर्षक है कल। चित्र पर आधारित गतिविधि है यहाँ। बच्चों, आप सभी समय के महत्व को तो समझते ही होंगे, अपने विचार प्रकट करो। तो बच्चों, समय बहुत कीमती होता है। यदि हम उसे नष्ट करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत से अवसर गवा सकते हैं, और यदि हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। हम करते हैं कविता में प्रवेश। इस कविता में समय के महत्व को बताते हुए आज का काम कल पर नहीं टालने की सीख दी गई है। ये बताया गया है कि हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेकर कोई काम हाथ में कभी न छोड़े उसे अधूरा, क्या जाने कब मौका छूटे और फिर कभी न हो वह पूरा। तो इन पंक्तियों में कवि हमसे यह कहना चाह रहे हैं कि यदि हम अपने हाथ में कोई काम लेते हैं तो हमें उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अवश्य पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमसे वह मौका कब छूट जाएगा और हो सकता है फिर वह काम पूरा ना हो पाए। इसीलिए जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं उसे अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। कर सकते हो आज जिसे तुम, उसे कदापि ना कल पर छोड़ो। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम उस किसी भी काम को आज कर सकते हैं तो हमें उसे कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। कर सकते हो आप जिसे, मत उसे और के बल पर छोड़ो। और यदि किसी काम को हम स्वयं कर सकते हैं तो हमें उसे किसी दूसरे के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। ना तो काम को किसी कल पर टालना चाहिए और ना ही काम को किसी दूसरे व्यक्ति पर छोड़ना चाहिए। देखो कितनी जल्दी जल्दी एक एक क्षण भागा जाता, कोई गिरता जाता, कोई आगे पैर बढ़ाता जाता। कवि कहते हैं कि समय कितनी जल्दी जल्दी भाग जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। और जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, आज का काम कल पर टालते रहते हैं, वह अपने जीवन में गिरते चले जाते हैं, वह उन्नति नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे अपने पैर आगे बढ़ाते जाते हैं, कामयाबियों की शिखर को पहुंचते चले जाते हैं। अच्छा इसको कल कर लेंगे जो कोई ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि छोड़ो इस काम को हम कल कर लेंगे, वही दौड़ में सदा जिंदगी की सचमुच पीछे रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे लोग उनसे आगे निकल जाते हैं जो आज का काम कल पर नहीं टालते और आज का काम आज ही पूरा कर लेते हैं। क्या सूरज रुक सकता पल भर, रुक सकते क्या चांद सितारे, एक मिनट को भी रुक सकते क्या ये चलने वाले सारे। बच्चों, आपने देखा होगा कि सूरज, चांद, सितारे सब अपने समय पर आ जाते हैं, एक मिनट के लिए भी वो देरी नहीं करते। तो जब सूरज नहीं रुक सकता, चांद सितारे नहीं रुक सकते, ये सब चलने वाले हैं, ये चलायमान हैं, जब ये नहीं रुक सकते तो हम क्यों रुक जाते हैं, हम अपने कामों को कल पर क्यों टाल देते हैं। प्रवाहमान संसार चक्र यदि रुक ना कहीं सकता है पल भर, यदि ये संसार चक्र दिन होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर दिन होता है, फिर शाम होती है, रात होती है, तो संसार चक्र प्रवाहमान है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता। यदि ये नहीं रुक सकता तो फिर तुम ही व्रत से चलते क्यों हो झुक झुक ठहर ठहर कर। तो हम समय के आगे क्यों हार जाते हैं, हम क्यों थक जाते हैं, हम क्यों आज का काम कल पर टाल देते हैं। रोज़ रोज़ ही तुम कहते हो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, करते हो छल अपने से ही, कल ज़रूर पूरा कर देंगे। यदि
हम अपनी ये आदत बना लें कि हम हर काम को ये कहने लग जाएं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो हम किसी से नहीं अपितु अपने आप से ही छल कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। आखिर वह कल भी आता क्या, सोचा है तुमने जीवन में? कवि कहते हैं, क्या तुमने सोचा है कि जीवन में कभी कल भी आता है? कल कभी नहीं आता बच्चों, जो कल होगा वो आज ही है। बोलो कभी विचार किया है क्या इस पहलू पर भी मन में? क्या तुमने कभी सोचा है कि कल कभी नहीं आता? कल कल करते तो रहते हो लेकिन कल कभी नहीं आता। इस बात को सोचो और अपने काम टालने की आदत को छोड़ो। कल तो एक कल्पना मन की, भाग्यहीन का भ्रम है केवल। कल जब आता है रहता वह सदा, आज ही कभी नहीं कल। कल सिर्फ हमारे मन की कल्पना भर है, क्योंकि जब कल आता है तो वह भी आज ही बन जाता है। भाग्यहीन पुरुष का भ्रम है ये कि वह किसी कार्य को कल कर लेगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो खोता है आज जिंदगी भर वह यूं ही पछताता है। कल कल करने वाला मूर्ख रोता है क्या कल पाता है? तो जो आज को खो देता है, जो अपने आज के अभी के अवसरों को खो देता है, वह जीवन भर पछताता रहता है। और जो पुरुष, जो मनुष्य कल कल करता रहता है वह मूर्ख है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे रोना पड़ेगा। वह रोता रहता है क्योंकि उसका काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता और ना ही वह कल को पा सकता है। जब तक चलती सांस भरोसा कल पर करो ना, चलते जाओ जब तक जलती जीवन ज्वाला, राख बनो मत जलते जाओ। कवि कहते हैं कि जब तक हमारी सांस चल रही है हमें कल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमें कर्मठ बनना चाहिए, हमें अपने सभी कार्यों को तुरंत पूरा कर देना चाहिए, हमें चलते जाना चाहिए जब तक हमारी जीवन रूपी ज्योत जल रही है, जीवन रूपी ज्वाला जल रही है। तब तक हमें राख बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस जलते जाना है और अपना और दूसरों का जीवन प्रकाशमय करते जाना है। तो कैसी लगी कविता बच्चों? तो अब आप लोग भी अपना गृह कार्य हो या अपना स्कूल का कार्य हो या आपको कोई भी काम कहा जाए, उसे कल पर नहीं टालेंगे, उसे आज ही करेंगे। तो इस कविता के कवि हैं महाकवि आरसी प्रसाद सिंह। तो बच्चों यहाँ हमें कठिन शब्द दिए हुए हैं जो आपको लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। अधूरा, कदापि, जिंदगी, प्रवाहमान, आखिर, पहलू, भाग्यहीन, कल्पना, पछताता और सांस। आगे चलते हैं, शब्द अर्थ हैं यहाँ, इन्हें आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्यपुस्तिका में भी लिखेंगे। मौका, मौका का अर्थ है अवसर। प्रवाहमान, गतिमान। कदापि, कभी भी। पहलू, तरफ और रुख। अब हम करते हैं बात पाठ की, बताओ क्या पढ़ा। हमें किसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए? हमें काम को, जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। संसार का चक्र कैसा है? संसार का चक्र प्रवाहमान है। कैसे व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं? जो कल पर कोई काम नहीं टालते ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं। हमें कब तक कल पर भरोसा नहीं करना चाहिए? जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें कल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। सूरज, चांद और सितारों को कवि ने कैसा माना है? गतिशील, क्योंकि ये कभी भी नहीं रुकते, सदैव चलते रहते हैं। किसे खोने वाला जिंदगी भर पछताता है? आज को खोने वाला। कभी रुकता नहीं है समय, समय कभी नहीं रुकता, वह हमेशा चलता रहता है। इन भावों को व्यक्त करने वाली पंक्तियां लिखो। तो बच्चों
ये जो भाव है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है और संसार गतिमान है, ये आप करने वाले हैं अपने ग्रह कार्य में। ठीक है, आप कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे इस प्रश्न को आप ग्रह कार्य में करेंगे। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो, जो खोता है आज जिंदगी भर वह यूं ही पछताता है, जो अपने आज को खो देता है, जो अपने आज के अवसरों को खो देता है, मौकों को छोड़ देता है, क्योंकि वह अपना हर काम कल पर टालता है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर पछताता रहता है। जो हमेशा कल कल करते रहते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति ना तो कभी कोई काम कल कर पाते हैं और सदैव जीवन में रोते रहते हैं। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। अच्छा, इसको कल कर लेंगे, जो कोई ऐसा कहते हैं वही दौड़ में सदा जिंदगी की सचमुच पीछे रहते हैं। उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है? उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव यह है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो यह कहते हैं कि हम इस काम को कल कर लेंगे, वह हमेशा जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके हाथों से सुनहरे अवसर और मौके छूट जाते हैं और ऐसे मौके और अवसर उन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं जो आज ही अपना काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिंदगी की दौड़ में कौन पीछे रह जाते हैं? जिंदगी की दौड़ में ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं जो हमेशा हर काम को कल पर टाल देते हैं। जिंदगी की दौड़ से कवि का क्या आशय है? जिंदगी की दौड़ से कवि का आशय सफलता से है और अपने लिए सुविधाएं जुटाने से है। सचमुच शब्द का समानार्थी शब्द है वास्तविकता में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें कोई काम अधूरा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? हमें कोई काम अधूरा इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि क्या पता जीवन हमें दोबारा उसे पूरा करने का अवसर दे या ना दे। अतः हमें जो भी काम मिले या जो काम हम अपने हाथ में लें, उसे सदैव पूरा कर देना चाहिए। आगे पैर बढ़ाता जाता से कवि का क्या आशय है? जो इंसान समय की कद्र करता है, समय का सदुपयोग करता है, अपने सारे काम जब उसे दिए जाएं तभी पूरे करता है और स्वयं पूरे करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन की दौड़ में सफल होता चला जाता है। अपने पैर आगे बढ़ाता जाता है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही आशय है कवि। आगे पैर बढ़ाता जाता से कवि का यही आशय है कि ऐसा व्यक्ति ही सफल होता है जो आज के काम को आज ही संपन्न करता है और कल पर नहीं टालता। कैसे लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं? जो लोग हमेशा कल कर दूंगा ऐसा कहते रहते हैं, ऐसे लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हम अपने से किस प्रकार छल करते हैं? हम बार बार यह कहकर कि हम कल कर देंगे ऐसा कहकर अपने आप से छल करते हैं, क्योंकि आप ज़रा सोचें कि कल कभी नहीं आता, कल जो है वह भी आज ही बन जाता है। कवि ने कल किसे माना है? कवि ने कल मन की कल्पना को माना है। कल्पना में ही हम यह सोच सकते हैं कि कल हो सकता है। कवि के अनुसार कल कुछ नहीं होता, कल मन की सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। तो बच्चों, आपको क्या समझ आया इस कविता से कि हमें आज का काम आज ही पूरा करना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। कल कुछ नहीं होता, कल एक मन की कोरी कल्पना है और जो काम आप स्वयं कर सकते हैं उसे किसी दूसरे को करने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। और इस तरह से जब आप आज का काम आज ही पूरा करेंगे और उसे कल पर नहीं टालेंगे तो आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।